वायदा में सेबी द्वारा कमोडिटीज पर बैन लगाने से एनसीटीई एक्सप्रेस सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन भारत खाद्य तेलों में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बना है, इसलिए सेबी के फैसले के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है। सोयाबीन एनसीडीई एक्स पर 5600 से सीधे 6300 के पार निकली है। विदेशों में आई तेजी घरेलू सोयाबीन वायदे की कीमतों पर भी देखी गई है। वैसे भी भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अब ऐसे में अगर विदेशों में तेल तिलहन बाजार में जरा सी भी हलचल होती है तो उसका असर भारत में भी तेजी मंदी में देखने को मिलता है, और वही तेजी अब हम सोयाबीन की कीमतों में बनते हुए देख रहे हैं। वही भारत सरकार ने सोया खली को अगले साल 30 जून तक के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में शामिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।